कोमल कोई और तो क्लास में आया नहीं बेटा अभी। गुड गुड आफ्टरनून मैम। नो आफ्टरनून। मैम, अभी कोई चलो थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, कोई और आ जाए। अब तक तुम बताओ क्या पढ़ा है। अरे है मैम। मैंने कुछ नहीं पढ़ा है अभी अच्छा, मैम। मैं अपनी दीदी के यहाँ गई थी उन्हें लेवाने। पूरी बड़े धीरे धीरे आराम आराम से तैयारी कर रहे हो। मैम आपने क्या बताया था कल? मैंने क्लास ही नहीं ली 2 दिन से। मैम वो दिन क्लास हुई ही नहीं बेटा, मुझे लगता है कल तो मैंने ली नहीं थी क्लास, कल मैंने नहीं ली थी बेटा की। मैम रोमनस हो गया था कोमल? यस मैम, रोमनस से गोथिक हो गया था और पुनर्जागरण स्टार्ट हो गया था पुनर्जागरण उसके। स्टार्ट, पुनरुत्थान काल है ना, पुनरुत्थान हाँ मैम, वो पुनरुत्थान। काल पे। हाँ स्टूडेंट्स कह रहे थे पुनरुत्थान काल पर से रिपीट करा दीजिएगा, मैंने कहा ठीक है करा देंगे। फ्लोरेंस की कला भी हो गया था कोमल। मैम उसके 3 कलाकार हुए थे। हाँ तीन कलाकार हुए थे, मसाचियो और मसाचियो और पाओलो सेलो और सा फिलिप्पो लिप्पी नो है ना। मैम, पाओलो चेलो नहीं, फ्रा लिप्पो लिपि नहीं हुआ था शायद। नहीं हुआ था ये, रह गया। ठीक है तो मसाचियो और पाओलो चेलो हुआ था है ना, सा जी मैम, फिलिप्पो लिप्पी रह गया था, और है फ्रांसिस्का है, पियरो देला फ्रांसिस्का, सांद्रो बॉटिचेली, जिलांडियो, ये सब नहीं हुए थे। हाँ ये सब अभी नहीं हुआ ना। जिलांडियो ये तैयार किए हैं तुमने, पढ़े हैं? मैम, इन्हें नहीं पढ़ा मैम। मैं आज वो थोड़ा सा इधर माइकलेंजी और लियोनार्डो दा विंची के बारे में रेडी करने जा रही थी। जा रही थी मतलब रेडी नहीं किया है। अच्छा नो मैम, अभी नहीं किया है। ये बताओ तुम लोग जैसे से हम बता रहे हैं उस हिसाब से पढ़ रहे हो, उसके पहले तुमने थ्योरी पढ़ी ही नहीं थी क्या? मैम मैंने पढ़ी थी, मैंने माइकल एनजीओ के बारे में भी पहले आप सुना था मुझसे, तब भी पढ़ी थी, भी पढ़ी थी, पर वो मैम भूल जाते हैं ना, तो उस बार बार रिपीट करना पड़ता। भूल जाते हो फिर एग्जाम में कैसे लिखती हो कोमल? मैम मेरा पढ़ा हुआ है, एग्जाम होते तब फिर से एक बार रिपीट कर लेते आ जाता है। मैम मैंने पढ़ा हुआ है पहले से, तो मतलब बिल्कुल एकदम से नहीं भूलते हैं, पर थोड़ा बहुत बीच में जैसे सन हो गया और प्लेस के नेम, तो मैम वो थोड़ा सा देखना पड़ता है। ठीक है, माइकल एंजेलो की पेंटिंग के नाम बताओ, जो तो काम है भित्ति चित्र जो उन्होंने बनाए हैं, कुछ विषय बताओ उनके भित्ति चित्र के। अच्छा मैम उन्होंने तो सबसे पहले पिएटा बनाई थी, और उन्होंने जो थे घिरलैंडियो से इन्होंने भित्ति चित्र सीखा था, और मैम इन्होंने बहुत कुछ बनाया था। अभी मैम पढ़ा ये नहीं तो हूँ बहुत अच्छा जवाब है तुम्हारा, उन्होंने बहुत कुछ बना है। अच्छा नहीं मैम, सच में पढ़ा था भूल तो गई ना, तो अच्छा मैम। सिस्टाइन चैपल की छत पे इन्होंने भित्ति चित्रण किया सिस्टाइन था, और मैम इन्होंने वो पिएटा बनाई चैपल की थी। छत पे इन्होंने क्या बनाया था? सिस्टाइन क्या मैम? चैपल की छत पे इन्होंने बनाया क्या था? मैम इन्होंने ईसा के जीवन से रिलेटेड बनाए थे, सूली, ईसा की सूली, और नो विषय का नहीं याद नो मैम, विषय नहीं याद है।
और मैम इन्होंने डेविड की प्रतिमा बनाई थी, एक केवल एक मार्बल से 17 फीट, और 4 साल में इन्होंने जो एक सेंट ऑफ पिएटा बनाई थी, कुमारी की गोद में लेटे हुए मृत ईसा की एक मूर्ति। और मैम चलो मतलब आई कैन मेंशन टू जन 1475 इटली। माइकल एंजेलो एक इतालवी मूर्तिकार, चित्रकार, वास्तुकार और कुछ पुनर्जागरण युग के व्यक्ति थे। क्या थे? चित्रकार, वास्तुकार, मूर्तिकार मूर्ति और कुछ पुनर्जागरण काल के व्यक्ति थे। जो फ्लोरेंस गणराज्य में पैदा हुए और उन्होंने पश्चिमी कला के विकास पर एक अद्वितीय प्रभाव डाला। कि माइकल एंजेलो एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने पश्चिमी कला आपकी वॉइस कट रही है। माइकल एंजेलो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पश्चिमी कला के प्रभाव को बिल्कुल परिवर्तित कर दिया। आप सुनाई दे रही है? नो मैम, एकदम कट रही, सुनाई देता है फिर रुक जाता है फिर सुनाई एक देता बार लॉग आउट करके फिर से इन करो। अब आवाज आ रही है कोमल ठीक से? यस मैम आ रही है। अब तो नहीं कट रही है? ठीक नहीं मैम अब नहीं कट रही है। है। तो माइकल एंजेलो एक मूर्तिकार, वास्तुकार, चित्रकार और उच्च पुनर्जागरण काल के व्यक्ति थे जो फ्लोरेंस में पैदा हुए और उन्होंने पश्चिमी कला के विकास पर बहुत प्रभाव डाला। ये इतना तो पहले तुमको बताना ही चाहिए ना कि वो क्या थे माइकल एंजेलो। ठीक है। उन्होंने अपने दो प्रसिद्ध कार्य पिएटा और डेविड को 30 वर्ष की आयु से पहले ही रूप दे दिया। पिएटा भी ईसा मसीह का है चित्रण और डेविड भी ईसा मसीह की मूर्ति है। ठीक है। चित्रकला को कम महत्व मानने के बावजूद माइकल एंजेलो ने पश्चिमी कला के इतिहास में दो प्रभावशाली भित्ति चित्रों का निर्माण किया, जिसमें से पहला है रोम में सिस्टाइन चैपल की छत पर जेनेसिस के दृश्य। अब ये जेनेसिस के दृश्य में क्या था ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने काफी ढूंढा मुझे मिला नहीं। और उसकी बेदी की दीवार पर द लास्ट जजमेंट, द लास्ट जजमेंट और जेनेसिस के दृश्य। ठीक है। 74 साल की उम्र में वह सेंट पीटर्स के वास्तुकार के रूप की उम्र में एटोनियो द सांगलो द यंगर के उत्तराधिकारी बने। ये पहले कलाकार थे जिनकी जीवनी इनके जीवन काल में ही प्रकाशित की गई। माइकल एंजेलो को अल डिवीनो कहा जाता था। अल डिवीनो का मतलब दिव्य व्यक्ति। ये पढ़ा है कि नहीं तुमने? नो मैम ये नहीं मिला मुझे। ये पहले कलाकार थे जिनकी जीवनी इनके जीवन काल में लिख दी गई थी और प्रकाशित भी कर दी गई थी। उन्हें क्या कहते थे? अल डिवीनो यानी कि दिव्य व्यक्ति कहा जाता। इतनी सारी प्रतिभा के धनी वो थे इसलिए उन्हें दिव्य व्यक्ति कहा गया। माइकल एंजेलो ने स्कूली शिक्षा में रुचि नहीं दिखाई और चित्रों की प्रतिलिपि करने और चित्रकारों की संगति में रहना ही उन्हें पसंद था। केपरीज में जन्म हुआ, पिता न्यायाधीश थे। पारिवारिक विरोध के बावजूद उन्होंने घिरलैंडियो के चित्रशाला में कार्य सीखना आरंभ कर दिया और आगे चलकर इसको छुपाने का प्रयास भी किया। आगे चलकर उन्होंने ये बात छुपाने का प्रयास किया कि मैंने घिरलैंडियो से कार्य सीखा है। कि घिरलैंडियो अपने समय का बहुत बड़ा चित्रकार, मूर्तिकार और वास्तुकार था, जैसा कि मैंने पहले तुम लोगों को पढ़ाया था।
विश्व जितने पद्धति उसने गिरलैंडियों से ही सीखी। 1492 में उसका संरक्षक लोरेंजो चल बसा और वह बोलोना चला गया। 1496 में वह रोम गया और उसकी महत्वपूर्ण कृतियां बेकस एवं सेंट पीटर के चर्च में पिएटा की प्रतिमाएं थी। पिएटा में क्या दिखाया गया? नारी की गोद में लेटे हुए पूर्ण विकसित पुरुष का अंकन, जो स्वयं ईसा मसीह माने जाते हैं और जिनकी गोद में लेटे हैं वो माता मरियम है। इस प्रतिमा की रचना से उनको बहुत यश मिला। 1501 से 4 के मध्य उसने डेविड की मूर्ति बनाई। ब्रूजेज में मडोना का निर्माण किया। डेविड जो मूर्ति बनाई थी उसका अर्थ था स्वतंत्रता का प्रतीक रूप। क्या मैम? डेविड जो मूर्ति बनाई उसने उसका अर्थ था स्वतंत्रता का प्रतीक रूप। डेविड की मूर्ति देखी है तुम लोगों ने? ओपन करके देखी गूगल पे। यस मैम, देखिए मैम। उसका अर्थ था स्वतंत्रता का प्रतीक रूप। 1503 में 12 संतों की प्रतिमाएं गढ़ने का काम माइकल एंजेलो को दिया गया। फ्लोरेंस की संसद भवन के लिए इन्हें चित्र बनाने को भी दिया गया, लेकिन यह इस कार्य को पूर्ण नहीं कर सके। उनका चित्र स्नानार्थी बहुत प्रचलित हुआ, जिसमें नग्न चित्र को अनेक भावों के साथ व्यक्त किया गया है। आगे आने वाले कलाकारों के लिए उनका यह चित्र बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत बना। आगे चलकर सिस्टाइन चैपल की छत का कार्य भी उन्होंने पूर्ण किया। इस कार्य को उसने बीच में ही छोड़कर पोप जूलियस द्वितीय की समाधि बनाने में व्यस्त हो गए। एक बात ध्यान रखना जब इनके बारे में बताना माइकल एंजेलो की, कि माइकल एंजेलो ने जितना भी कार्य शुरू किया उसको पूर्ण नहीं कर पाया ज्यादातर को। यही काम जो है लियोनार्डो दा विंची के साथ भी हुआ। 40 वर्ष तक अपने संरक्षण में कार्य करता रहा और जब वह 70 वर्ष का था तब उसने पोप की एक विशाल प्रतिमा कांसे से निर्मित की। 1508 से सिस्टाइन चैपल का कार्य उसने स्टार्ट किया। मचान पर लेटकर वह चित्रण करता था। 1510 तक उसने द्वार के निकट का आधा भाग पूर्ण कर लिया और 1512 में उसे पूरा कर दिया। यहाँ पर रैफेल ने भी उसके इस कार्य में बहुत मदद की। इस कार्य से माइकल एंजेलो बहुत प्रसिद्ध हो गया। चित्र में नग्न दास, धर्मदूत, ईसा के पूर्वज, पृथ्वी पर प्राणियों का आंतरिक जीवन, दीवार पर मूसा व ईसा के जीवन का चरित्र अंकित है। मूसा के बारे में मैंने एक दिन तुम लोगों को बताया था। मूसा ईसा मसीह के प्रमुख संतों में से एक हैं जिन्होंने बाइबल का बहुत बड़ा पाठ खुद लिखा है। अन्य चित्र आदम और हव्वा का स्वर्ग से पतन, प्रलय, नूह का मत, धर्मदूत व भविष्य दृष्टा चित्रित है। ईसा के जन्म की भविष्यवाणी का भी अंकन है। पोप लियो दशम ने भी माइकल एंजेलो को संरक्षण दिया। पारिवारिक चर्च के प्रवेश द्वार का कार्य दिया। जीवन के अंतिम दिन उसने रोम में ही व्यतीत किए। चित्र संत पाल की बातचीत, संत पीटर की सूली महत्वपूर्ण है। संत पाल भी ईसा मसीह के संत थे, संत पीटर भी ईसा मसीह के संत थे। 70 वर्ष की आयु में वह भवन निर्माण में अधिक रुचि लेने लगा और जीवन के अंतिम दिनों में ईसा की सूली का चित्रण किया और कविताएं लिखी। कवि के रूप में वह बहुत प्रचलित भी हो गया। उसके समय का कला केंद्र फ्लोरेंस से हटकर रोम हो गया। नारी आकृतियों में पुरुषत्व है और उसे परोक कला का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, अब तुमने यस अगर पढ़ा है तो तुम्हें सिर्फ कुछ भी नहीं याद है। तुम्हें एक भी भित्ति चित्र के बारे में नहीं याद है, तुम्हें
तुम्हें मूर्ति कला नहीं याद है? मैम, इसमें जो आपने बताया वो कुछ भी मैंने मतलब बहुत ज्यादा ऐसा पढ़ा ही नहीं बुक में। तुमने क्या पढ़ा? तुमको सिर्फ एक दो मैंने पेंटिंग के नाम बता रही हूँ कि बस? मैम इसमें बुक में अधिकतर सिस्टाइन चैपल के बारे में ज्यादा दिया गया है कि ये लियोनार्डो दा विंची और माइकल एंजियो और बहुत उसने सारे लोग सिस्टाइन भी चैपल में काम। काम भी किया अगर सिस्टाइन चैपल है, सिस्टाइन चैपल में जो उसने काम किया उसके विषय क्या थे वो भी तो जानना जरूरी है। सिस्टाइन चैपल में उसने क्या किया? चलिए ईसा मसीह के जीवन से संबंधित चित्र ही थे, लेकिन उनके विषय क्या थे? इनके बहुत सारे चित्र हैं, बहुत सारे भित्ति चित्र हैं, बहुत सारी मूर्तियां हैं, तो कम से कम 8 से 10 तो हमें याद होने चाहिए, है ना? यस मैम, मैटर मैं तुम्हें भेज दूंगी, ठीक है? ओके मैम। अभी अलग से हम तुम्हें भेज देंगे। रैफेल पढ़ा तुमने? बस नो मैम, अभी रैफेल नहीं पढ़ा है। तू माइकल एंजेलो पढ़ रही थी। चलो जी मैम, ये पार्ट मैं तुम्हें भेजे दे रही हूँ, ठीक है? ओके मैम। और कोई क्लास में तो आया नहीं है? क्लास, नहीं मैम, अभी को हाँ क्लास हम तेरा ओवर ही करे दे रहे हैं। कल ये पढ़ के बताना मुझे, प्रागुल ओके को लिप्पी रह गया था है ना? मैम। प्रागुल को लिप्पी, फ्रांसिस्का, बॉटिचेली और गिरलैंडियो। और माइकल एंजेलो मैं अभी तुम्हें भेज रही हूँ, उसको पढ़ लो, कल फिर उस पर डिस्कस करते हैं, ठीक ओके मैम, है? ठीक यस मैम, है, चलो तुम लॉग आउट करो। ओके, थैंक यू मैम। ओके बेटा।